नाम दीपक है, मैं दिल्ली में नरेला से आया हूँ। मैंने पतंजलि का ऑनलाइन बुकिंग कराया था यहाँ पे 7 डेज के लिए, और मेरी प्रॉब्लम इंडाइजेशन प्रॉब्लम थी, लीवर प्रॉब्लम और बैक पेन था मुझे। यहाँ आने के बाद मुझे 50% दोनों बीमारियों में रिलीफ मिला है, और सबसे अच्छी थेरेपी यहाँ पे सिंगी थेरेपी है, और पिंडियों की जो मसाज करते हैं वो, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। और यहाँ का जो भी रख रखाव है और यहाँ की जो भी सर्विसेज है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, सबका अच्छा व्यवहार है, और टाइमली यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता था, कहीं वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत बढ़िया मेरे को हिसाब लगा, और मैं औरों को भी सजेस्ट करूँगा पतंजलि वेलनेस में आए और अपना ट्रीटमेंट कराएं। मेरा नाम कृष्णेंदु रुज है और मैं रांची से आया हूँ, और मुझे दाहिना पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, पैर उठ नहीं रहा था। अब पैर धीरे धीरे उठ रहा है, और कायरोपेटिक और आपका आकूपंचर जो है वो ट्रीटमेंट मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, और आगे हो सकता है भविष्य में भी और अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ का व्यवस्था वगैरह सारा सब कुछ ठीक ठाक है, और सबको सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पर, मतलब साफ़ सफाई, उसके बाद केयर, समूचा ठीक ठाक लगा। मेरा नाम सोनल मोहर है, मैं MP बालाघाट से आई हूँ। मुझे वेट का प्रॉब्लम था, मेरा वेट बढ़ा हुआ था, मेरा 2.5 किलो वज़न कम हुआ है, और मेरी BP की जो एलोपैथिक की दवाई थी वो सारी छूट गई हैं। मैं आयुर्वेदा में यहाँ कन्वर्ट हो गई हूँ। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मुझे, सभी स्टाफ और सभी को बहुत बहुत थैंक यू, सभी बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और सभी को यहाँ आना चाहिए ज़रूर, और सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है। मेरा नाम सरदानंद विश्वनाथ है, हम यहाँ पर आया था, मेरा घुटना में दर्द था, बैक पेन था, लिथार्जिक फीलिंग, वीक टायर्ड। यहाँ पर मुझे बहुत बेनिफिट मिला, और जो ट्रीटमेंट था एक्सेलेंट था, हमारा ऑलमोस्ट 70% सक्सेस रेट है, हम यहाँ से बहुत खुश है। मेरा नाम पूजा मोहर है, मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से आई हूँ। मुझे 2018 से एंडोमेट्रियोसिस पता चला था, और थायराइड भी था पिछले 10 साल से, और हेडेक भी बीच बीच में होता था और उल्टियाँ आती थी। तो जब मैं यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो मुझे अपने हेडेक में तो 70% आराम लगा, और श्रृंगी थेरेपी से मुझे मतलब बैठने में दिक्कत होती थी, तो श्रृंगी जब हुआ तो मुझे लेफ़्ट वाले पैर में भी काफ़ी आराम लगा, तो आज मैं बहुत देर बैठ पाई थी। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आवासीय व्यवस्था हो चाहे खाने पीने की हो, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जोगिंदर पाल कपूर, ये मेरी वाइफ सुरेंद्र कुमारी, हम दोनों पतंजलि योग पीठ में अपना इलाज कराने आए थे। मुझे आँखों की प्रॉब्लम है, और ब्लड प्रेशर हाई था, और घुटनों की खास प्रॉब्लम थी। मेरी वाइफ को भी थोड़ी घुटनों की प्रॉब्लम थी और आँखों की प्रॉब्लम थी। हम इधर 6 दिन रहे हैं और इलाज कराया है। इलाज करा के हमें दोनों को कम से कम 50% इलाज ठीक लगा, उससे ठीक हो गए हैं, और फिर उसके बाद फिर आएंगे। और यहाँ तक यहाँ के अरेंजमेंट और मैनेजमेंट का प्रबंध है, ये हमें इतनी खुशी हुई है। हम बाबा जी रामदेव जी को एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लंबी आयु करे, और इनको ऐसे ही सेवा का, लोगों की सेवा करने का मौका देता रहे। मेरा नाम जितेंद्र है, मेरे भतीजे का ट्रीटमेंट के लिए पैरालिसिस हो गई थी, उसके पैर हाथ पांव गर्दन से नीचे का सारा शरीर काम करना छोड़ दिया था, जिसे हमने उसकी MRI करवाई, डॉक्टर ने पैरालिसिस बता के अंग्रेजी ट्रीटमेंट के लिए बोला, हमने वो न करवा के बाबा रामदेव के योगपीठ आश्रम में आके उनका ट्रीटमेंट करवाया, और उससे हमारे बच्चे की 50% रिकवरी हो चुकी है 14 दिन के अंदर। मैं प्रवीण सोनी जबलपुर मध्य प्रदेश से यहाँ पतंजलि योगपीठ में आया था, और मुझे काफ मसल पेन और गर्दन में दर्द की शिकायत थी। तो पिछले 5 दिनों से यहाँ जो ट्रीटमेंट और थेरेपी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की मैंने ली, उससे लगभग 70% का आराम मुझे इन दोनों चीज़ों में, और जो कुछ पेट की भी समस्या थी उसमें भी काफ़ी आराम यहाँ पर लगा है, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सेवाएं हैं,
थेरेपी बहुत अच्छी है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जिसको भी आवश्यकता हो ज़रूर यहाँ आकर अपने उपचार के लिए आएँ। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पिछले 5 दिनों में हुआ और मैं आगे भी यहाँ पर उपचार के लिए अवश्य आना चाहूँगा। मैं संजीव मोहर जबलपुर से आया हूँ। मुझे घुटने और कमर में प्रॉब्लम थी, यहाँ 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, लगभग 50% रिलीफ मिल चुका है। सबसे पहले तो मैं पतंजलि का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। मेरा नाम शिफाली आहूजा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरे को सर्वाइकल था और मुझे हर्निया का इशू भी था, अभी स्टार्ट ही हुआ था जो डिटेक्ट हो गया। और यहाँ आकर मेरे जो थेरेपिस्ट थे, जो मेरे डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आज मेरे को 7 दिन के अंदर मेरा 5 किलो वेट भी कम हुआ है और मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पर पतंजलि में। मैं मोहित, मेरी उम्र 20 साल है, मैं हरियाणा से आया हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं वैसे एक एलोपैथी स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। मैं अभी मेरी उम्र 20 साल है। मैं पिछले 5-6 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट रहा हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से एलोपैथी की मेडिसिन ले रहा हूँ रेगुलर, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि पूरी उम्र आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि कोई इसका समाधान है, कोई इलाज है, कहें नहीं कोई इलाज नहीं है। फिर भी मेरे को एक दो महीने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मेरे में कुछ 2 महीने पहले सिर्फ 4 ग्राम खून रह गया था। फिर मैंने हर जगह प्रिस्क्राइब किया, एम्स दिल्ली तक गया मैं, वहाँ भी बोले कि ऐसा कोई उपाय नहीं है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं हो सकता आपका। तो पापा ने बोला कि अब एक बार पतंजलि में ट्राई करके देख लेते हैं कि आप तक कुछ बात बन जाए। तो मेरे को पहले विश्वास नहीं था कि योग में ऐसा क्या ही होगा, कि मैं क्या ही कर सकता हूँ जो एलोपैथी में नहीं हो सका, जो मेरा यहाँ होगा। तो मैं शुरू में आया, मेरे को 2-3 दिन तकलीफ हुई, मेरा मन भी किया कि यहाँ से चला जाऊँ। फिर 4th दिन मेरे को इतनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लगी, मेरे पेट में जो बड़ी आँत में जो दर्द रहता था बिल्कुल सब गायब। अब ऐसे लगता है बिल्कुल मेरे को नया जीवन मिल गया है, मेरे कोई दर्द नहीं रहता, ना मेरे कोई ब्लीडिंग रहती है, मैं साधारण खाना भी खा सकता हूँ। इसलिए मैं योगी पतंजलि जी को बहुत प्रणाम करता हूँ, योगी स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सबको मेरा सादर प्रणाम। यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सब जगह सफाई है, खाना बहुत अच्छा है। बेसिकली यहाँ पे मेरे को डाइट पे रखा गया था, फिर भी मेरे को बिल्कुल अच्छा तंदुरुस्त महसूस हो रहा है, कि कभी मेरे को कमी महसूस नहीं हुई किसी चीज़ की। मेरा नाम मनीष है, मैं बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, मैंने यहीं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है। मेरे को बैक पेन और थोड़ा एलर्जी रहता था, बैक पेन में मेरे को लगभग 5 साल से ही थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हमेशा से ही रह रहा है, अभी भी अकड़न बनी रहती है। अभी कुछ दिन से 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया मैंने, यहाँ का जो फैसिलिटीज़ था, जो भी थेरेपिस्ट हुए, डॉक्टर हुए, वो सब अच्छे हैं यहाँ के। फिर उसके बाद मेरे को ऑलमोस्ट 90-95% रिलीफ मिल चुका है। मेरा नाम बलविंदर कौर है और मैं बहादुरगढ़ पटियाला से आई हूँ। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, मेरे को पेन रहता था बॉडी में, तो अभी सब ठीक है। यहाँ पे थेरेपीज ली, यहाँ पे डॉक्टर भी सभी अच्छे हैं, स्टाफ सारा अच्छा है, नाइस है, पोलाइट है, सारी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं और योगा जो करवाते हैं वो करके मन खुश हो जाता है। बहुत अच्छा है सब कुछ यहीं पर और अभी मैं ठीक हूँ। मैं हरबंस सिंह पंजाब डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से यहाँ पतंजलि में आया हूँ। हम जहाँ पर 1-7 दिन रहे हैं, मुझे 1 साल से ज़्यादा समय में दाएं टांग में दर्द, कमर दर्द, पाम सुन होता था, जहां आकर ये 40% फ़ायदा हुआ है। यहां की व्यवस्था बहुत मुझे अच्छी लगी है, जहां का स्टाफ, थेरेपी स्टाफ, डॉक्टर्स, खाने पीने का प्रबंध और सफाई हमें बहुत अच्छी लगी है। मुझे आस है कि ये ट्रीटमेंट पूरा लेने के बाद हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। मैं बलदेव राज शर्मा हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैंने बहुत हॉस्पिटलों में अपना ट्रीटमेंट कराया, लगभग 40-50 हॉस्पिटलों में। PGI में तो मुझे जब ट्रीटमेंट डॉक्टर के नहीं मिल पाया तो मुझे मेंटल वार्ड में डाल दिया, बोलते कि आप जो है साइकोलॉजी तरफ से ठीक है। फिर मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा आप मुझे, वो पूछने लगे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है या। मैंने उनको बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिटायर्ड हूँ एजुकेशन से प्रिंसिपल, मुझे किसी भी साइड से और मैं बिल्कुल फिट हूँ, परंतु मुझे अपने शारीरिक साइड से प्रॉब्लम है। परंतु उन्होंने मेरा कोई नहीं सुना। उसके बाद
मैं उधर ही चंडीगढ़ में ही एक और हॉस्पिटल है फोर्टी हॉस्पिटल, उसमें गया। फोर्टी हॉस्पिटल में मुझे ये बताया कि आपकी हड्डी बढ़ गई, आपका ऑपरेशन होगा ऊपर से भी और नीचे से भी। और जब फिर डॉक्टर साहब को पूछा कि भाई क्या कितना लागत आएगा, उन्होंने बताया कि 1.5 लाख से 2 लाख। मैंने ये बताया उनसे, मुझे आग्रह किया कि भाई अगर 1.5 लाख से 2 लाख से ठीक हो जाऊं तो ठीक है, परंतु डॉक्टर साहब उस टाइम जो है उठ गए बिल्कुल। फिर मुझे पता चला पतंजलि का, क्योंकि हमारे एक गांव का लड़का भी है इंदर देव जी, यहाँ वो भी यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनसे पता चला। और टीवी में मैंने देखा कि यहाँ पर सिंगी का भी इलाज होता है, बहुत अच्छा इलाज होता है। परंतु फिर हमने तीन लोगों ने यहाँ आने का निश्चय किया, हम लोग तीनों ही यहाँ 5 दिन, आज चौथा दिन है। और यहाँ का जो व्यवस्था है, जो थेरेपी वगैरह होती है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो बच्चे हैं, काम करने वाले हैं, जो थेरेपी करते हैं, बहुत प्रेम से लोगों से काम करते हैं और उनका बिहेव अच्छा है। मैंने हिंदुस्तान का कोई भी ऐसी जगह नहीं देखी जो कि मुझे यहाँ प्रेम, इन डॉक्टरों से प्रेम, इन बच्चों से प्रेम, और जो कोई भी कार्य करता है यहाँ पर बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे ढंग से वो हमें गाइड करते हैं। मैं बहुत I am very thankful to पतंजलि। मेरा नाम दिव्यम है, मैं हरियाणा के ज़िले जींद से आया हूँ। जब मैं छोटा था मेरी आँखों में कुछ दिक्कत थी, मुझे एक आँख से कम दिखता था। तब मुझे किसी ने यहाँ पतंजलि में आने की सलाह दी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के थेरेपिस्ट जो थे वो बहुत अच्छे थे और डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे मुझे कुछ योग सिखाए गए और कुछ थेरेपियाँ दी गई, जिससे मुझे कुछ आराम लग रहा है। मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मेरे को यहाँ सर्दी उधर खांसी हुई थी, मेरे को वेट कम करना था यहाँ, और वजन कम करवा दिया, बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ आकर मेरी सर्दी उधर अच्छी हो गई है, मेरे 50% ठीक हो गई हूँ मैं। और मेरे पाँव में, दाबे पाँव में भी बहुत दर्द होता था, तो वो भी मेरे को अच्छा हो गया है यहाँ। और यहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ आकर मैं जो डॉक्टर ने खाना मेरे को बोला था वही मैं खा रही थी, तो उससे मेरी वजन भी कम बढ़ गई थी। मैं सालकराम बोबड़े भोपाल से आया हूँ। मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी नाक में, और एसिडिटीज़ की प्रॉब्लम थी, और पैर में एलर्जी थी खुजली की। ये तीनों बीमारी में आराम मिला मुझे 50%। मेरा नाम राजकुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ। जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो मेरी शुगर 188 थी, और अब मैं 7 दिन के बाद जा रहा हूँ तो मेरी शुगर 105 है। तो मेरे को यहाँ जो जितनी भी चिकित्सा कराई बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। तो मैं चाहता हूँ कि और भी स्वास्थ्य साधक यहाँ आएं और अपना इलाज कराएं। मेरा नाम सतीश कुमार, गांव मांडी, पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। मेरे को पेट में दिक्कत थी लीवर में जी, मैं पहले रविंद्र हॉस्पिटल में राजी 1.5 महीना, कभी छुट्टी कर देते थे, कभी ICU में ले जाते थे, कभी कमरे पर दवाई देते थे। फिर उसके बाद मैं चला गया जी मैदानता, मेरे को वहाँ से रेफर कर दिया, दिल्ली जाओ भाई। मैदानता में राजी में 10 दिन, वो बोले लीवर चेंजिंग के लिए बोल दिया जी। वो बोला कितना खर्चा आ जाए, बोले 50-60 लाख रुपये। वो बोला जी ठीक है, हम पैसे का इंतजाम करते हैं। फिर मेरे को पता चला जी मैं यहाँ आ गया, मैं आज 21 तारीख को एडमिट हुआ था जी यहाँ, और आज 3-4 तारीख को छुट्टी होगी। मैं मेरे ना तो बिल्डिंग आ रही, ना पैरों पर सोई जी, मैं कतियोग्य हो गए परमात्मा की दास, मेरे को तो भगवान मिल गए। जैसे रामायण में लक्ष्मण के लिए हनुमान जड़ी बूटी ले आए थे जी। मेरा नाम जुगल किशोर मोहर है, मैं बालाघाट मध्य प्रदेश से आया हूँ। यहाँ का इलाज, व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ, फिजियोथेरेपी, सभी प्रकार का उपचार बहुत ही अच्छा है, मुझे 80% आराम हुआ। मेरा नाम प्रेमचंद लालवाणी है, मैं नौसारी गुजरात से आया हूँ। मैं 7 दिन का पैकेज था मेरा, और उसमें मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही थी। ये दूसरे दिन ही मेरा इंजेक्शन और दवा मैंने बंद कर दिया,
और यहाँ से सुबह में योगा और बाद में ट्रीटमेंट जो कराया उससे मैंने 7 दिन में कभी दवा भी नहीं ली है और इंजेक्शन भी नहीं लिया है। और यहाँ से डॉक्टर साहब ने जो दवा दी थी आयुर्वेदिक वो मैंने ली थी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरा 7 दिन में 4 किलो वज़न आज तक कम हो गया है। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, हसमुख है, और डॉक्टर साहब का, बहन का और भाई का, दोनों का अगर नाम तो मेरे को एक का अमर है, बहन का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, दोनों का जो सपोर्ट था वो बहुत अच्छा रहा। और 3 दिन के बाद में जब पहली बार बताने आया तब भी उन्होंने बोला आप परहेजी करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे आज मेरी डिस्चार्ज है, कल मैं जाने वाला हूँ। तो मैं पूरे स्टाफ को अपने तरफ से, और वहाँ मैं एक्स प्रेसिडेंट था नौसारी नगर पालिका और सिंधी समाज का, तो उनकी तरफ से आपका शुक्राना अदा करता हूँ कि आप ऐसे गरीबों की जो मदद करते हैं वो बदल। मेरा नाम महेंद्र राय है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। मुझे किडनी का प्रॉब्लम था और शुगर भी बहुत हाई रहता था। शुगर के लिए मैं इंसुलिन लेता था, अभी धीरे धीरे इंसुलिन मेरा बंद हो चुका है। अभी यहाँ की जो दवा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइट के ऊपर ध्यान देने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया है और वो डाइट मैं फॉलो करूँगा क्योंकि उससे हमको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ के लोग जो भी इससे यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, वो काफ़ी विनम्र स्वभाव के हैं लोग, काफ़ी अच्छा इन लोगों का बिहेव है और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो हमारे साथ हैं गोविंद जी जो पुणे से आए हैं। जी गोविंद जी, तो आपको क्या लाभ मिला योग और यहाँ के उपचार से? हमको बहुत अच्छा लाभ मिला सर। ये जी। जो मतलब यहाँ क्या क्या समस्या थी मतलब आपको? मेरा हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था, इको टेस्ट करवाए थे तो थोड़ा ब्लॉक हो गया था एक जगह का वाल, तो 6-7 महीना उसको मतलब गोली से मतलब ठीक हो गया, वो तो हार्ट का ठीक हो गया प्रॉब्लम, बाकी बीपी का थोड़ा गोली चालू है सर, वही बढ़ जाता है अभी बस, बाकी सब ठीक है। यहाँ आपको क्या लाभ मिला? यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ मिला आपके हमको, मतलब सब रहने होने का। कितने दिन रहे आप यहाँ पर? यहाँ पे 3 ही दिन था मैं सर। हाँ, और बीपी मेरा नॉर्मल है अभी। आपकी माता जी भी हैं आपके? हाँ, माता जी भी हैं। माता जी को क्या लाभ मिला, क्या दिक्कत? उनको भी ठीक है, मतलब उतना घुटने उठने में दिक्कत था सब, घुटना ज्वाइंट पेन सब था, तो मतलब अभी तो आराम है उनको, भी ज़्यादा आराम। कितने परसेंट आराम होगा? मतलब उनको लगभग 40-50% तो आराम हो गया। 3 दिन में? जी जी हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? नीलिमा मित्तल जी। कहाँ से आए आप? जयपुर से। किस लिए आए थे अभी आप यहाँ पर? मैं अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराने आई थी, साथ में मैंने मेरा भी डाइट फॉलो किया है और मैंने अपना वेट भी लूज किया है। मुझे यहाँ का थोड़ा डाइट अच्छा लगा तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि पतंग। कितना वेट, कितना लूज हुआ आपका? 3 kg 7 days में। हाँ। और बाकी और आपको मेंटली भी थोड़ा एंजाइटी आदि भी थी उसमें? कम है, थोड़ी कम है। क्या क्या कराया थेरेपी आपने उसमें? थेरेपी मैंने कुछ नहीं लिया। अच्छा, थेरेपी नहीं ली, केवल डाइट फॉलो किया। डाइट फॉलो किया, वाह, ठीक है। अभी हमारे साथ हैं पूज्य महाराज जी वासुदेवानंद जी जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं भुसावल से। तो महाराज जी 7 दिन पहले आए हुए थे यहाँ पर, तो इनको क्या क्या समस्याएं थी और अभी यहाँ पर क्या क्या इनको 7 दिन में 6 दिन में क्या क्या लाभ हुआ वो महाराज जी से पूछेंगे। महाराज जी क्या क्या समस्याएं थी आपको? समस्याएं थी जी कि बीपी भी थी जी और शुगर भी शुगर थी। भी थी और पैर में गांठ थी, पैर में गांठ थी और एडी को प्रॉब्लम था। और वजन तो दिख ही रहा है। हाँ, वजन 104 किलो था वजन जी जी, और अभी 100 है, 100 किलो, 4 कम हो गया, 4 कम हो गया 6 दिन में, 6 दिन में। और बीपी शुगर का क्या हाल है? वो भी नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल हो गया अभी। और अंग्रेजी गोली है तो छोड़ दी है, अभी आयुर्वेद पे आ गए। आयुर्वेद पे आ गए हैं, ठीक है। तो अभी कैसा लगा इधर? आनंद आया बहुत अच्छा लगा। ठीक, ये कार्य भगवान का कार्य है, जन सेवा का कार्य है और दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि होती रहे। आप सब लोगों के सहयोग से, स्वामी जी के, दोनों स्वामी जी के तपस्या से
ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हमारे निमगा में। संतों का आशीर्वाद है, कृपा है, हमारे निमगा में ये सेंटर है बाबा का, वहाँ पे है सब। मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से आया हूँ। इधर मेरा एक भांजी और एक दीदी को लेके आया था। इधर मेरा जो भांजी आया था उसका क्रिएटिनाइन मेरे घर में जब आया था तब 19 था, लेकिन मेरे घर में मेरा बीवी थोड़ा सा इलाज करके वो जैसे पीपल का पत्ता और गोखरू पानी और धनिया ये सब पिला के और रिनोग्रिड चालू कर दिया था हम, ठीक है। उसका हार्ट में थोड़ा दिक्कत था इसलिए उसको हृदय अमृत भी खिलाया था। फिर मेरे घर में ही उसका इलाज करके इसका 19 से 9 तक आ गया था, फिर इधर लेके आया था, है ना। फिर उधर को जो डॉक्टर है वो डॉक्टर उसको भूल सलाह दिया, उसको बोला जे तुम नहीं बचेगा, ठीक है, तुम जो भी खाना चाहते हो खा लो, मर जाएगा। फिर खल्टा खाना उल्टा पुल्टा कर दिया। फिर उसके बाद उसका क्रिएटिनिन फिर से 16 तक आ गया। फिर मैंने मेरा बीवी इधर उधर भटक करके कुछ पैसा इकट्ठा करके उसको मेरे साथ भेजा। मैं इधर आकर उसको जो जो योगा है वो योगा दिखा के और यहाँ का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो ट्रीटमेंट सिस्टम और जो माता है यहाँ का ट्रीटमेंट करता है उससे वो खुशी होकर सब कुछ लेकर अभी उसका क्रिएटिनिन 13 तक आ गया। मेरा जो बीवी है उसका आर्थराइटिस बात है, ठीक है। वो जब लॉकडाउन था तब घर में रह के ही आर्थराइटिस बात ठीक किया, ठीक है। और मेरा दोनों आंखें चला गया था, CSR में ऐसे बोला था डॉक्टर, जो एक आंखों में आया दूसरी आंखों में और नहीं दिखाई देगा। फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नेपा फ्लोर बोल के एक इंग्लिश दवाई वही देता था, ठीक है, वही लेता था और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रेशर भी बहुत बड़ा था और वही दवाई खाते खाते मेरा किडनी डैमेज हो गया था, पेशाब में बहुत जलन आ रहा था। लेकिन घर में वो धनिया का पानी और गोखरू पानी यही खाते और हर दिन सुबह उठकर योगा करते हैं, वही बाबा जी का टीवी देखकर योगा करते हैं। ऐसे करते करते मैं भी आज तंदुरुस्त हूँ। मैं उमेश कुमार, पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पतंजलि वेलनेस में अपने इलाज के लिए आया था। 7 दिन का यहाँ कोर्स किया। कोर्स में कई तरह की थेरेपीज कराई गई। मेरे जैसे जोड़ों का दर्द का था, पेट का प्रॉब्लम था, तो जिस जिसमें थी अलग अलग तरीके की थेरेपीज हुई जिससे काफ़ी लाभ मिला है। मेरा नाम कविता है और मैं मेरठ UP से आई हूँ और मैंने यहाँ पतंजलि हरिद्वार वेलनेस सेंटर में 7 डेज का कोर्स किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी बॉडी में, जैसे BP, शुगर और कोलाइटिस भी है और बॉडी पेन भी है। तो यहाँ 7 डेज रहने के बाद ट्रीटमेंट के बाद BP और शुगर तो काफ़ी मतलब क्योर ही हो गया। दवाई मेरी 3-4 दिन से नहीं खाई है मैंने और बाकी में भी मुझे बॉडी पेन में बहुत आराम है। मेरा नाम प्रिंस कुमार पांडे है, मैं झारखंड दुमका से आया हूँ। मैं यहाँ अपने बैक पेन की प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए आया था। मैं यहाँ 5 दिनों से हूँ। मुझे अपने ट्रीटमेंट से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिली है। 5 दिनों से जो भी यहाँ ट्रीटमेंट चल रही थी, मसाज और यहाँ के ट्रीटमेंट सारे बहुत ही अच्छे हैं। रूम्स वगैरह बहुत क्लीन रहते हैं, सारे स्टाफ के बिहेवियर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल हैं। और जो भी डाइट यहाँ दिया जाता है वो सारा चीज बहुत ही अच्छे से मेंटेन, और मॉर्निंग योगा करवाना सुबह से लेकर शाम तक सारा चीज बहुत ही अच्छे रूटीन से फॉलो होता है। और यहाँ मुझे ट्रीटमेंट करवा के बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है अपने प्रॉब्लम्स में। मैं मनीष द्विवेदी आपके पतंजलि वेलनेस रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ, जो कि मैं लीवर सिरोसिस का पेशेंट हूँ और यहाँ दूसरी बार आना हुआ है। और मुझे पिछली बार भी काफ़ी आराम मिला था, दूसरी बार भी आया हूँ तो लगभग आधा आराम तो मिल ही गया। और डॉक्टरों द्वारा फीडबैक भी अच्छा मिला, व्यवस्थाएं अच्छी रही, दवाई अच्छा हुआ, जिसके कारण मैं संतुष्ट हूँ। मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और मुझे BP काफ़ी मेरा हाई रहता था। जब से मैं आया हूँ मैंने दवाइयाँ छोड़ दी है। मैं टेलेस्टा 40 mg लेता था, वो मैंने छोड़ दी है। मुक्टा वट्टी खा रहा हूँ और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और मुझे वेरिकोज वेंस भी थी, वो भी यहाँ पर मैंने 2 बारी लीच थेरेपी ली है और मेरी टांगे काफ़ी मोटी थी और अब मुझे खुद महसूस हो रहा कि मेरी टांगे पतली हो गई है। मेरा नाम चंद्रकांत जायसवाल है, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और मुझे 5 से 6 साल के से मुझे डायबिटीज है
और डायबिटीज अभी मेरी फास्टिंग में 170 से 200 तक रहती थी और पोस्ट मील जो है वो 300 तक के रहती थी, 250 से 300 तक के। यहाँ आने के बाद में अभी मेरा आज चौथा दिन है, आज मैंने, मेरे पास मशीन है शुगर टेस्ट की, आज मैंने नापा फास्टिंग का तो 113 आया फास्टिंग का, और कल भी यानी 106 था, आज 113 है, और पोस्ट मील जो है वो 128 हो चुका है मेरा। तो इस प्रकार मुझे सिर्फ चार दिन में ही बहुत फ़ायदा मिल गया है। मेरा नाम पूजा मंगल है, मैं इंदौर से हूँ और मेरे को हार्ट में वॉल्व की समस्या है, वॉल्व श्रिंक हो चुका है मेरा। मेरा वॉल्व ये कंडीशन पे है कि अब उसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट मैं 3 महीने से यहाँ आ रही हूँ, तो जो मेरे वॉल्व का एरिया था वो 0.8 था, अब 0.9 हो चुका है, मतलब उसमें थोड़ा सुधार आया है, और ऑक्सीजन लेवल LVF जो बोलते हैं वो भी पहले 45-50 था, अब 60 हो चुका है, बट अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ। गुरुदेव के शरण में आई हूँ ठीक होने के लिए।